जब कभी घर में मेहमान आते हैं हमें यही लगता है कि पनीर के पकौड़े बनाएं, ब्रेड के पकौड़े बनाएं और कुछ नहीं तो आलू के पकौड़े बनाएं, और ऐसा कुछ नहीं होता है तो सोचते हैं कि बाहर से मंगा लिया जाए। आज ऐसा कुछ नहीं करना है, घर में रखी हुई, फ्रिज के अंदर रखी हुई वो बेचारी मूली सी रखी हुई है ना, मूली, उससे आप बढ़िया से नाश्ते बना सकते हैं। पता है, उससे आप पकौड़े बनाइए। अगर आपको ऑयल नहीं खाना तो बिना ऑयल के भी पकौड़े बना सकते हो। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। दो ताजी मूली ली है, इसे मैंने धोकर छीन लिया है। छीनने के बाद मैंने इसे घिस लिया है। मोटे ग्रेटर से घिसेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अब जो मूली के पत्ते हैं ना, उन्हें भी बहुत बारीक कट कर लीजिए। जो भी सारे पत्ते हैं, सारे हमें यूज होने वाले हैं। अब मूली को ना स्क्वीज नहीं करना है, पानी नहीं निकालना है, उस पानी उसमें होना चाहिए जिससे उसका स्वाद बरकरार रहे। अब मैंने पत्ते और मूली को एक साथ रख दिया है। अब बारी आती है इसमें खास मसालों को डालने से, जिससे ये नाश्ता बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। एक खलबत्ता ले लीजिए, उसमें एक बड़ा चम्मच सूखा साबुत धनिया लीजिए, एक बड़ा चम्मच लीजिए काली मिर्चों का, एक चम्मच ले लीजिए सौंफ का। इन सारी चीजों को ना हमें खलबत्ते में कूटना है। मिक्सी में भी कर सकते हो, पर पल्स मोल्ड पे करिए, जिससे क्या होगा ना, वो थोड़े खड़े खड़े होंगे मसाले तो ज्यादा स्वाद आएगा। और हाँ, अगर आपके यहाँ कोई मसाला नहीं खाया जाता या काली मिर्च बच्चों को नहीं खिलानी, मतलब बच्चों को तीखी लगेगी, तो आप स्किप कर सकते हो। जब हम कोई घर में कोई रेसिपी बनाते हैं तो पूरी तरीके से हम आज़ाद होते हैं कि हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। इस तरीके से मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। इधर मैं कुछ हरी मिर्चों को कट कर लेती हूँ, वो भी मैं डाल रही हूँ। मैं इस पकौड़े को बहुत चटपटा बनाना चाह रही हूँ, जिससे आपको बेहद पसंद आए और बार बार बनाने का मन कर जाए। और कुछ मैंने करी लीव्स हैं, जिसे भी बारीक कट कर लिए हैं। कुछ मेरे पास अदरक है, अदरक को भी मैं बारीक कट कर लेती हूँ। एक नींबू है जिसे मैंने कट कर लिया है। मूली के साथ मुझे ना एक और भी चीज बढ़ानी है, थोड़े कॉर्न ले रही हूँ, उबले हुए कॉर्न। पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉर्न ही लेना है, आप कुछ और ले सकते हो, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, कोई भी सब्जियों का एक बोल ले लीजिए। मैंने कॉर्न को उबाल लिया है। अब इस मूली के पकौड़े में ना थोड़ा सा क्रंच आए तो आपको क्या करना है, या तो पीनट ले लीजिए, जैसे मूंगफली के दाने ले लीजिए आधा कप, या फिर ये भुने चने ले लीजिए, इनको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, मतलब दरदरा कुटा हुआ टेस्ट आना चाहिए। इसे निकालने के बाद इसी मिक्सी के जार में मैंने कॉर्न को भी ग्राइंड कर लिया है। अब एक बड़े बोल में पहले नीचे कॉर्न डाला है ग्राइंड किया हुआ, उसमें मूली डाली है, मूली के पत्ते डाले हैं, इसी में बहुत सारी हरी मिर्चें, अदरक और करी लीव्स डाली हैं, और ये जो मसाला मैंने कूट के रखा था ना, वो सारा इसके अंदर डाल दीजिए। काला नमक, हींग और अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। अब ये जो मैंने भुने चने को ग्राइंड किया था ना दरदरा, वो भी मैंने डाल दिया। खूब सारा धनिया डाल दिया। आपको दिखने में ही समझ में आ गया होगा कि ये नाश्ता तो बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। इसमें डाल दीजिए एक पूरा नींबू का रस। अब इसमें आप डालेंगे बेसन, जैसे मैंने 4 से 5 चम्मच अभी बेसन डाला है, 4 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है। आप कोई एक चीज भी डाल सकते हो, दोनों भी डाल सकते हो, ये सारी च्वाइस आपकी है। अब पूरे पकौड़े के लिए मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी। अब इन सबको पहले मिक्स कीजिए, क्योंकि मूली के पत्तों में और मूली में काफी सारा पानी है तो उससे हमें मिक्स करना है। एक और बात, ये पकौड़े बहुत ही बढ़िया टेस्टी बने तो इसमें 2 चम्मच भर के ऑयल डाल दीजिए और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अंदर से मुलायम बने, बाहर से क्रिस्पी बने, यही तो हम चाहते हैं। तो पहले हमने सारी चीजों को मिक्स करना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी यूज करना है जितना हमें जरूरत लगे। बेसन को अगर आप थोड़ा और डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये डिपेंड करता है, हम हाथों से जब गूंथते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि बेसन कम लग रहा है, तो 1-2 चम्मच मैंने यहाँ पर और बढ़ा दिया। थोड़ा सा पानी भी डालकर एक पकौड़े नुमा बढ़िया सा मिश्रण तैयार किया है। ज्यादा गीला ना करें, क्योंकि हमें बनाते बनाते ऐसा ना हो बहुत ज्यादा गीला हो जाए तो दिक्कत हो, क्योंकि मूली नमक के साथ ना अपना पानी छोड़ती है। अब मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। अगर आप अप्पे मोल्ड में बनाना चाहें तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिए और इस अप्पे मोल्ड में आप बॉल्स बना के फ्राई कर लीजिए। तो ये तो हो गया बिना फ्राई किया हुआ अप्पा, जो कि आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है।
और हाँ, आपको पकौड़े बनाने तो भी यहाँ पर ना मैं ये कहूँगी आपसे कि इसको ना गोल गोल बनाइए, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और तो और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं ग्रेवी में। एक और आपको बताती हूँ ट्विस्ट, इसको बिल्कुल बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ, उसके बाद इसको मंचूरियन जैसे बनाते हैं ना ड्राई मंचूरियन, उस तरीके से भी बना सकते हो। है ना बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज। आपको भी कुछ आइडियाज आए ना मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, मुझे भी पता चलेगा आपसे कि आपके मन में क्या चल रहा है। इधर देखिए मैंने बॉल्स बनाकर फ्राई करने डाल दिए और इधर बॉल्स बनाकर मैं अप्पे के मोल्ड में डाल रही हूँ। अप्पे के मोल्ड में जो बना रही हूँ वो तो मीडियम फ्लेम पे बनेंगे धीरे धीरे, और यहाँ पर आपको अच्छे से तेज गैस पे बनाने हैं पहले, उसके बाद बीच में आप मीडियम कर दीजिए जिससे अंदर भी पकें और बाहर से भी क्रिस्पी बनें। आपने बहुत टाइप के पकौड़े खाए होंगे, वैसे आपको मैंने कई टाइप की वैरायटी बताई है, जैसे कि लौकी के कोफ्ते तो हम सभी बनाते हैं, नारियल के कोफ्ते बहुत ही अलग होते हैं, आपने देखे क्या, जरूर बनाइए। और काले चने के कोफ्ते बहुत अमेजिंग बने थे, तो उसे भी आप बना सकते हो, उनकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप उन्हें देख के बना सकते हो। कई बार हम त्योहारों में सिर्फ पनीर को ही बहुत ज़्यादा करते हैं कि पनीर नहीं है तो कैसे बनाएं, कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो साइड में रखी हैं उनके बारे में हम सोच ही नहीं पाते, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बन सकती हैं अगर आप उन्हें उनके तरीके से बनाएं। तो धीरे धीरे मैं अप्पे मोल्ड को भी पलटती जा रही हूँ, गोल्डन कलर के वो भी फ्राई हो रहे हैं। अप्पे मोल्ड में फ़र्क ये है कि आपको ऑयल की कढ़ाई नहीं रखनी पड़ेगी, फ्राई तो वो भी होने हैं धीरे धीरे होने हैं ऑयल के साथ, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर, और यहाँ पर आप फ्राई कढ़ाई में कर रहे हो, ये चॉइस पूरी आपकी है। आप देख रहे हैं, देख के ही आ रहा है ना मज़ा। इसके साथ टमेटो केचप या फिर हरी चटनी दोनों रखिए, बस इंजॉय कीजिए। मैं अप्पे को भी निकाल देती हूँ, ये देखिए। एक और बात, आपको ना इसका चीला बनाना है तो चीले भी बना सकते हो, छोटे छोटे तवे पर चीले भी बना सकते हो, कटलेट नुमा भी बना सकते हो, सारी चॉइस आपकी है। क्या आपने कभी पहले मूली की इस तरीके की रेसिपी बनाई क्या? नहीं ना, अब आप जरूर बनाएंगे, आपको बेहद पसंद आएगी। कैसे लगे ये मूली के पकौड़े कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, हर घर में बन सकती है ऐसी रेसिपी, कम बजट में हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं।